हाईजैक कर लिया ना सर, अब हाईजैक हो गया। बताओ कल मोदी जी का पैरवे छू रहे थे, आज तक कभी देखे हैं? क्या स्थिति होगी, हमको दुख हुआ, हमको दर्द हुआ। बिहार के नेता जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है वो मोदी जी का पैर छू रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, क्या हो गया भाई? नौजवान प्रत्याशी है, इतना सज्जन व्यक्ति है, मिलनसार व्यक्ति है, हम लोगों ने अच्छा प्रत्याशी दिया, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है इनको भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। आप लोग बताइए जिताएगा कि नहीं जिताइएगा, दोनों हाथ उठा करके बताइए पीछे से, जिताइएगा तो ये आपके लिए काम करेंगे, नेता बन के नहीं बल्कि आपका बेटा बनकर के काम करेंगे, आपका भाई बनकर के। अब चाचा जी पलट गए, उनको हाईजैक कर लिया ना सर, अब हाईजैक हो गया। बताओ कल मोदी जी का पैरवे छू रहे थे, आज तक कभी देखे हैं? क्या स्थिति होगी, हमको दुख हुआ, हमको दर्द हुआ। बिहार के नेता जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है वो मोदी जी का पैर छू रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? हमको बहुत चिंता है, वो तो 4 लाख सीट बता दिए एमपी का, 4 लाख से बोलते बोलते 4,000 कर दिए, घटा दिए भाजपा का। बताइए क्या स्थिति बनी हुई है? तो मौके का लोगों ने फायदा उठाया, भाजपा के लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया, क्योंकि देश भर से आवाज उठ रही थी कि तेजस्वी ने जो 17 महीने में किया 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे करके, वो देश में कहीं नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ, केंद्र सरकार में नहीं हुआ। इसलिए भाजपा का लोगों का टेंशन बढ़ा हुआ था, अगर ये ऐसे ही करता रहेगा तो 2 साल के भीतर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देगा। हम नौकरी दे रहे थे, वो लोग मेरा सरकार गिरा रहे थे। हम लोग आशा ममता का मानदेय को दुगुना कर दिया, 2500 कर दिया, तालमी मरकज विकास मित्र टोला सेवक के मानदेय को डबल कर दिया। हम लोग चाहते थे पेंशन की बढ़ा दिया जाए, इस काम में लगे। हम लोगों ने जाति आधारित गन्ना कराया, उसके तहत हम लोग योजना बना रहे थे, आंकड़े आ गए थे जाति आधारित गन्ना का कि किसकी कितनी संख्या है, कौन जाति की, और संख्या के साथ साथ कौन परिवार, कौन व्यक्ति गरीब है, किसको आर्थिक सहायता चाहिए, उसको हम लोग योजना बना रहे थे। उसमें पता चला कितना लोग दिहाड़ी मजदूर है, कितना लोग नाला साफ करता, कितना लोग जो है भूमिहीन है, कितना लोग का घर पक्का नहीं है, किसकी क्या स्थिति है, कितना गरीब है। उसके लिए हम लोगों ने बनाया था योजना, बस वही लागू करना था, तो बीजेपी हाईजैक कर लिया था। क्या काम कर रहे थे हम लोग, जो बेरोजगार था नौकरी तो दिए ही, लेकिन जब सर्वे हम लोग कराए, जाति गणना कराए, तो जो गरीब परिवार है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको 1 लाख रुपया दे रहे थे, जिसका पक्का मकान नहीं घर बनाने का 2 लाख रुपया दे रहे थे, जिसके घर में नौकरी नहीं, ये हम लोगों का योजना चल रहा था। सर्वे का यही ना फायदा हुआ कि आंख खुल गया, पता चल गया कि भाई सच्चाई क्या है, कौन जात के लोग भाई गरीब है, और उसमें पता चला स्वर्ण जाति में भी लोग गरीब है, पिछड़ो जाति में बहुत गरीब है, अति पिछड़े में और गरीब है, दलित आदिवासी सबसे ज्यादा गरीब है, ये पता चला। इसके तहत हम लोग सबके लिए काम करते, सब लोगों को सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय हम लोग करने जा रहे थे,
लेकिन सरकार पलट गया तो पलट गया, उसकी हमको चिंता नहीं है। लेकिन आज मोदी जी से पूछिएगा, चुनाव में तो आते हैं फिर चुनाव के बाद चले जाएंगे, चुनाव में आएंगे, चुनाव के बाद नहीं आएंगे, फिर आएंगे तो चुनाव में आएंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मोदी जी ने आपके गांव के लिए क्या किया, आपके पंचायत के लिए क्या किया, आपके प्रखंड के लिए क्या किया, आपके जिले के लिए क्या किया, आपके राज्य के लिए क्या किया मोदी जी ने। अरे खाली बोलते कि राशन दे रहे हैं 5 किलो। अरे राशन, हम लोग का सरकार आएगा तो राशन के साथ साथ नौकरी भी देंगे, महंगाई भी कम करेंगे। तो राशन मोदी जी दे रहे हैं, कांग्रेस के जमाने से राशन मिलता था, किरासन तेल मिलता था, तेल मिलता था, चीनी भी मिलता था, तो पहले ही से न चलता रहा है भाई। अब ऐसा लग रहा कि राशन मोदी जी बटवा रहे हैं। अब देखिए भर गया घूमिएगा। देखिए मांझी जी के प्रति हमारा बड़ा सम्मान है, बुजुर्ग है, लेकिन भर गया में घूमिएगा और भाजपा के लोग से अगर पूछिएगा ना तो बोलेगा निमन कैंडिडेट नहीं मिला, समझे। और भाजपा का लोग बोले छोड़, कैंडिडेट को क्या देना है, ऊपर देख करके वोट देना है, ऊपर वाले में मतलब मोदी जी को वोट देख करके वोट देना है। अरे मोदी जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, कितना चीनी मिल खुलवाना था वो नहीं खुलवाए, पलायन नहीं रोके, बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दिया, कम से कम अच्छा कैंडिडेट तो दे देते ताकि गया के लिए आवाज उठाता। तो जो ऊपर देख रहे हैं जो भाजपा के लोग, तो मोदी जी नीचे नहीं देखते हैं, मोदी जी गरीब को नहीं देखते हैं, मोदी जी भी ऊपरे वाला को देखते हैं, पूंजीपतियों को देखते हैं, अमीरों को देखते हैं। स्पेशल पैकेज नहीं दिया, कम से कम अच्छा कैंडिडेट तो दे देते ताकि गया के लिए आवाज उठाता। तो जो ऊपर देख रहे हैं जो भाजपा के लोग, तो मोदी जी नीचे नहीं देखते हैं, मोदी जी गरीब को नहीं देखते हैं, मोदी जी भी ऊपरे वाला को देखते हैं, पूंजीपतियों को देखते हैं, अमीरों को देखते हैं। हर कोई लालू यादव है। तो आप सब लोग जानिए, पहचानिए कि कौन झूठ बोल रहा। कुछ दिन पहले मोदी जी क्या बोलते थे नीतीश जी के बारे में कि DNA खराब है, और मुख्यमंत्री जी कोई महिला पे वाला पे टिप्पणी हो गया था विधानसभा में, तो मध्य प्रदेश के चुनाव में मोदी जी बोलते थे मुख्यमंत्री जी कितना गिरिएगा, कितना गिरिएगा, और आज बड़े अच्छे होंगे, निमन होंगे भाई नीतीश जी। यही नीतीश जी क्या कहते थे, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे। पहले हमको कहते थे कि यही ना भाग्य देखेगा, नौजवान है, नौजवानों को रोजगार दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और आज बोलती बंद है सब। तो खैर इससे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करता, ये लोग बड़े लोग हैं भाई, एगो प्रधानमंत्री एगो मुख्यमंत्री। लेकिन भाई हम यहाँ आए इसलिए कि आपकी आवाज को बुलंद करें, आपसे अपील करने आए कि लगातार NDA का